तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्फिनिक्स नोट 35G के बारे में, जो कि इन्फिनिक्स की तरफ से लेटेस्ट लॉन्च फोन है। इसमें बहुत सारे फीचर्स दे रखे हैं। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करते हैं। स्टार्ट करते हैं इसके डिस्प्ले पार्ट से। 0.78 इंच की एक फुल एचडी प्लस वाली आईपीएस एलसीडी देखने को मिल जाती है, जो कि 120 हर्ट्ज हाई रिफ्रेश रेट के साथ आती है। साथ ही में 580 निट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ इसमें टीयूवी रेनलाइन सर्टिफिकेट मिल जाता है आई केयर डिस्प्ले के लिए। डिस्प्ले कलर काफी अच्छे प्रोड्यूस करती है, एमोलेड के हिसाब से तो नहीं पर आईपीएस के हिसाब से काफी बेहतरीन कलर निकाल के देती है। एक्सपीरियंस को और अच्छा बनाने के लिए इसके साउंड JBL ट्यून्ड है, जो कि काफी अच्छी बात है। सर पार्ट की बात करें, डायमेंसिटी 6080 न्यू चिपसेट देखने को मिल जाता है, जो कि 6LM टेक्नोलॉजी बेस्ड है। साथ ही में कोर्टेक्स A76 वाले कोर्स हैं, जो कि 2.4 GHz पे क्लॉक्ड है। सर के साथ डे टू डे टास्क, मल्टीटास्किंग और मीडियम टू हाई गेमिंग, पबजी ग्राफिक्स जैसे बहुत सारे गेम्स आप इजिली हैंडल कर सकते हैं। 8 MP का ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, 2 MP का मैक्रो, 2 MP का डेप्थ, फोटोज काफी अच्छी आती है डे एंड नाइट में, और काफी अच्छा फोन है ये कैमरा वाइज। पार्ट की बात करें, 5000 mAh की बिग बैटरी के 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाती है। बैटरी बैकअप इसका काफी अच्छा रहता है प्रोसेसर और डिस्प्ले वाइज। साथ ही में एक बैटरी में फीचर दे रखा है बाईपास चार्जिंग का। फास्ट चार्जिंग का फीचर ऐसे काम करता है, आप डायरेक्ट चार्जर लगा देंगे वो आपको बैटरी की ना चार्ज करके सीधे मदरबोर्ड को पावर देगा, और आप नॉर्मली गेमिंग कर पाएंगे। बैटरी नहीं चार्ज होगी तो बैटरी पर ज्यादा इफेक्ट भी नहीं होगा, और अगर आप इस फीचर को बंद कर देते तो आपकी बैटरी भी साथ में चार्ज होती रहेगी। तो ये काफी बेहतरीन फीचर है अगर आप गेमिंग करना चाहते हैं चार्जिंग के साथ। द बॉक्स एंड्रॉइड 13 के साथ इसमें 5G कनेक्टिविटी से रिलेटेड 14 5G बैंड्स का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।